हेलो फ्रेंड्स, आज क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। देखें, जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना कहाँ हुई थी? आयोग के अनुसार वल्लभी है, और जबकि सही आंसर पाटलिपुत्र होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10। केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात की है, इनमें से कौन सा वह शिलालेख है? तो इसको याद रखें, रुम्यनिदेय स्तंभ लेख है। रुम्यनिदेय स्तंभ लेख में अशोक ने करारोपण का उल्लेख किया है। यह शिलालेख नेपाल की तराई में स्थित है। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ आए। उसने यहाँ धार्मिक कर बलि को माफ कर दिया तथा भूमि कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया। इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसने सीलोन के बौद्ध राजा बेंग वर्मन की बोधगया में विहार बनाने की अनुमति दी? तो आंसर है समुद्रगुप्त। श्रीलंका के बौद्ध राज्य मेघ वर्मन को बोधगया में विहार बनाने की अनुमति समुद्रगुप्त ने दी थी। उसकी विजयों के कारण विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक था। उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है।